गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नुसरत अंसारी के चुनाव लड़ने की संभावना खत्म हो गई है। नुसरत के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर भरे गए दोनों पर्चे निरस्त हो गए हैं। अब नुसरत अंसारी निर्दल प्रत्याशी होंगे। अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के आधिकारिक प्रत्याशी होंगे, सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी आरिका अखौरी ने कहा कि आज सभी नामांकन पत्रों की जांच हुई है। 25 उम्मीदवारों ने 38 सेट्स में नामांकन किया था। समीक्षा के बाद 25 में से 14 के नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए क्योंकि उनमें कमियां थी। बाकी 11 के नामांकन पत्र स्वीकृत कर लिए गए हैं, उनकी सूची चस्पा कर दी गई है। आज सभी नॉमिनेशन फॉर्म्स की जांच हुई है और स्क्रूटनी के बाद, समीक्षा के बाद, जांच के बाद हमारे टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था वो 25 की संख्या थी। कुछ ने मल्टीपल सेट में दाखिल किया था तो 25 कैंडिडेट्स ने 38 सेट्स टोटल दाखिल किए थे और आज सभी सेट्स की अलग अलग समीक्षा की गई, सभी कैंडिडेट्स की, सभी सेटों की समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद इन 25 कैंडिडेट्स में से 14 के नामांकन पत्र हमें अस्वीकृत करने पड़े क्योंकि उनमें कुछ कमियां थी और जो बाकी 11 कैंडिडेट्स हैं उनके नामांकन पत्र सही पाए गए और वो जो है वो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स कैटेगरी में आ गए हैं। शेष के नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गए हैं और उनकी जो सूची है वो चस्पा भी कर दी गई। नुसरत और अफजाल के मामले में डीएम ने कहा कि व्यवस्था यह है कि अगर मुख्य उम्मीदवार का पर्चा स्वीकृत हुआ तो वैकल्पिक उम्मीदवार का नामांकन स्वतः खारिज हो जाता है। चूंकि अफजाल अंसारी का पर्चा स्वीकृत हुआ, ऐसे में नुसरत का पर्चा खारिज हो गया है। ऐसे में सपा के आधिकारिक उम्मीदवार अफजाल अंसारी हैं। सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की व्यवस्था है, उस केस में जो मुख्य कैंडिडेट होते हैं यदि उनका पर्चा स्वीकृत हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो इस स्थिति में भी चूंकि समाजवादी पार्टी के मुख्य कैंडिडेट जो थे अफजाल अंसारी, उनका पर्चा स्वीकृत हुआ तो जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हैं उनका पर्चा स्वतः ही रिजेक्ट माना जाता है और ये हमने उनको अवगत करा दिया और उनको उनके साइन भी करा दिए नुसरत अंसारी जी के। और इस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी के वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं वो अफजाल अंसारी हैं। ये पूछे जाने पर कि अगर अफजाल ने पर्चा वापस लिया तो क्या होगा, इस पर डीएम आरिका अखौरी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो आगे जो निर्वाचन आयोग की नियमावली होगी उसका पालन करते हुए प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आपको उससे अवगत कराया जाएगा। अब जब वापस लेंगे तो जो भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा। बता दें कि गाजीपुर लोकसभा सीट पर वोटिंग 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें यानी अंतिम चरण में होगी। 4 जून को मतगणना की जाएगी और उसी दिन परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। इस सीट से भाजपा की ओर से पारसनाथ राय को तो बसपा ने डॉक्टर उमेश सिंह को टिकट दिया है। इस लोकसभा सीट से पिछला लोकसभा चुनाव अफजाल अंसारी ने बसपा की टिकट पर ही जीता था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट को अफजाल के एक मामले का निस्तारण 30 जून तक करना है जिसकी अगली सुनवाई 20 मई को है। अगर हाई कोर्ट उनकी सजा पर मुहर लगा देता है तब अफजाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अफजाल का अगला कदम क्या होगा।